आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में और आज कराऊंगा आप सभी को पजल उंगली पकड़कर बच्चे की तरह और इतना प्यार से ना आप बोलेंगे भैया एक एक चीज समझ में आ गया। और अगर कोई महान व्यक्ति है ना तो वो भी एक दो महीना सीखने के बाद पजल सीखता है। मैं भी आपको पजल बहुत सारा कराऊंगा जहां पर आप एक से दो मिनट में SSC रेलवे के पजल कर आप 3 से 4 नंबर इजिली उठा सकते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे वृत्त सर्कल को लेकर, जो वृत्त सर्कल वाला पजल होता है ना उसको लेकर। और आपको कभी भी अगर SSC और रेलवे या स्टेट एग्जाम का पजल चाहिए तो आप यूट्यूब के ऊपर क्या सर्च मारेंगे, पजल का माँ बाप, आपको हमारा हर एक वीडियो पजल का मिल जाएगा। लेकिन अगर भूल से पजल का बाप मार दिए ना तो आपको बैंकिंग का पजल मिलेगा, मेरा ही मिलेगा लेकिन हाई लेवल का, जो आपके रेलवे SSC में नहीं आता है। तो कभी भी SSC और रेलवे के लिए पजल आपको चाहिए तो आपको क्या मारना है, सर्च पजल का माँ बाप। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करवाते हैं, एक एक चीज सिखाऊंगा बहुत प्यार से, किसी हर किसी को समझ में आएगा। उसके पहले बोलूंगा ना, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आपका एक भी क्लास मिस ना हो, ये याद रखिएगा। वरना बहुत लोग बोलते हैं भैया नोटिफिकेशन नहीं जाता है हमारे पास। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं और बहुत प्यार से समझना। आप बोलेंगे भैया 3-4 क्लास देखने के बाद ना एक्सपर्ट बन गए, एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट, अब फटाफट सवाल हो रहा है। पूरा उंगली पकड़कर सिखाऊंगा एक एक चीज। कभी भी आपका पजल स्टार्ट होगा ना, पजल की शुरुआती में आपको यह लाइन दे देगा कि 6 लोग बैठे हुए हैं और 6 का मुंह जो है वो केंद्र की ओर है, ये बोल देगा पजल के शुरुआत में। अगर ऐसा बोले तो आपको क्या याद रखना है, एक बात याद रखिए, आपको पजल में बोल दिया 6 लोग हैं और उनका मुंह जो है वो केंद्र की ओर है। तो केंद्र की ओर है मतलब आपको घड़ी देखना है, घड़ी कैसे चलता है, तो घड़ी ऐसे चलता है, तो घड़ी जैसे चलाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा हमारा बाया और विपरीत क्या हो जाएगा हमारा दाया। अगर सवाल में बोल दे ए जो है वो बी का बाया है, ए बी का बाया है, तब यहां पर क्या करेंगे, ए यहां पर बी का बाया यानी बी का बाया, देखो बाया ऐसे जाएगा जब बोले मुंह केंद्र की ओर है। लेकिन अगर बोल दे आप सभी को सवाल में कि जो ए है ना वो बी का दूसरा दाया है, राइट है, तब क्या करेंगे, ए ए ए बी का दूसरा दाया है। अब दाया कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा यानी बी का दूसरा दाया, 1 और 2, यह याद रखिएगा। दूसरा चीज, एक चीज और देख लीजिए, कभी भी आपको पजल के शुरुआत में यह लाइन बोल देना, यह लाइन बोल दे आप सभी को, क्या बोल दे कि जितने भी लोग पजल में बैठे हुए हैं ना वो केंद्र से विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तब वही चीज रहेगा। बस ऐसे जो होगा ना वो इस बार हमारा यह दाया हो जाएगा और यह हमारा हो जाएगा बाया, ये याद रखिएगा। यह लाइन आप सभी को समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यह लाइन समझ में आया, पजल के शुरुआत में अगर बोल दे सबका मुंह केंद्र की ओर है तो बता दिए, अगर बोल दे केंद्र के विपरीत देख रहे हैं तो आपका क्या होगा, तब ये दाया हो जाएगा वो बाया हो जाएगा। बहुत सारे पजल कराऊंगा, एक एक चीज दिमाग से टेंशन आपका निकाल देंगे आज रात को। अगला सवाल देखो, सवाल पर आते हैं, मान लो यह सवाल आपके सामने दिया गया है और पजल का खूबसूरती पता है क्या है, एग्जाम में ना आपका एक पजल दिया रहेगा अगर, और SSC रेलवे पजल का लेवल बहुत लो रहता है, बहुत लो रहता है, अगर उसको आप 1 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हैं और उससे जुड़ा जुड़ा 3 क्वेश्चन मिलेगा, 2 क्वेश्चन मिलेगा, यानी 1 मिनट में 3 नंबर आप आराम से कर लेंगे। पजल एक बार सॉल्व हो गया, मैं दिखाता हूं तरीका आप सभी को, क्या बोला है यहां पर, 6 मित्र हैं ABCDE और F, उनको विपरीत एक केंद्र में, एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह कर बैठे हैं, बोल दिया यहां पर, देखो बोल दिया है केंद्र की तरफ, और कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोग बना लो, 6 लोग मैंने बना लिया। अब केंद्र की तरफ मतलब पहले माइंड में जाएगा आपका, अच्छा भैया ऐसे हमारा बाया जाएगा, ठीक, और भैया ऐसे जो हम गिनेंगे ना तो दाया जाएगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप 100%, यही मैं बता रहा हूं। अब पजल करते हैं, आगे बोला है 6 लोग हैं, नाम दे दिया गया है,
ई डी के बाई ओर बैठा है, ई ई डी का बाया। अच्छा, जो ये ई को आप कहीं पर भी बैठा दो, आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहां पर बैठाता हूं तो भी सही है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर बैठा दो, मैं ई को यहां पर बैठा देता हूं। क्या बोला है? बोला है ई डी के बाई ओर बैठा है, ई डी का बाया, ई जो है वो डी का बाया, तो डी यहां पर होगा, क्योंकि डी का बाया, बाया ऐसे चलेगा, तो डी का बाया ए बैठा है। क्लियर? आगे बोला है आप सभी को सी ए एवं बी के बीच में। अच्छा, कहीं पर भी नजर आ रहा है सी है, ए है, बी है? नहीं नजर आ रहा है भैया, नजर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, बस इतना याद रखना सी जो है वो ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, आगे बोला है एफ ई एवं ए के बीच में बैठा है। अच्छा, एफ जो है अब ई और ए के बीच में, तो ई और ए, ए यहां पर, एफ यहां पर, और एफ ए और बी के बीच में कौन बैठा है? सी बैठा है। आपका पजल हो गया। अब इसी से सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। क्या बनेगा सवाल भैया? आपसे पूछेगा सवाल सी का विपरीत कौन है, तो सी का विपरीत तो नजर आ रहा है ई, ई आंसर मारकर आप सभी निकल जाएंगे, नंबर मिल गया। अब सवाल में पूछेगा, कुछ भी पूछ देगा कि बी का दूसरा बाया कौन है, तो बी का दूसरा बाया देखो एक और दो ई बैठा है, बी का तीसरा दाया कौन बैठा है, तीसरा दाया बी का, दाया ऐसे गिनना है एक दो, एक दो तीन, एफ, कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर ना? अगले सवाल में आते हैं, आगे और बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, और प्रैक्टिस के लिए सवाल भी भर भर कर देंगे, टेंशन मत लो। अगला सवाल हमारे सामने है, एक बार देखिएगा, इसमें थोड़ा आपको मैं एक एक चीज समझा रहा हूं। ये पजल क्या दिया गया, पढ़ लीजिए, पी क्यू आर एस तथा टी एक वृत्त मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं, चारों तरफ बैठे हैं। अब मुंह कहां पर है यह नहीं बोला गया है। अगर कभी भी पजल के शुरुआत में ना बोले कि उनका मुंह केंद्र की तरफ है या केंद्र के विपरीत है, तब आपको कोई भी कंडीशन पकड़ लेना है। कहने का मतलब है, दिखा दे रहा हूं, देखो आपको यह कंडीशन पकड़ लेना है या फिर यह कंडीशन पकड़ लेना, कोई सा भी पकड़ लेना, आंसर आपका वही आएगा। दिखा दे रहे हैं, ये सवाल था हमारे सामने, दोनों पर दिखा दे रहे हैं। कितने लोग हैं आपका? एक दो तीन चार पांच लोग हैं, पांच लोग, चार पांच लोग हैं। ये केंद्र की तरफ, ये केंद्र के विपरीत, दोनों पर किसी पर बनाना, आंसर वही आएगा। मैं दोनों पर दिखा दे रहा हूं, ऐसे इसमें क्या जाएगा हमारा दाया, बाया, इसमें बाया ले लेते हैं, इसमें क्या जाएगा हमारा बाया, और ऐसे क्या जाएगा आपका दाया, ठीक, और इसमें ऐसे ले लेते हैं क्या हम दाया, और ऐसे क्या ले लेते हैं आपका बाया, किसी पर आंसर वही बैठेगा, आंसर में रत्ती भर का भी अंतर नहीं आएगा, ठीक। आगे बोला है आपको आर पी के दाई ओर बैठा है। अच्छा, आर, आर दोनों जगह बैठा दो, कहीं पर ही बैठा सकते हैं, आर, आर जो है वो पी का दाया। अच्छा, पी का दाया, पी का दाया, अब पी तो यहां पर ऐसे बैठे, तभी तो पी का दाया बैठेगा, अब यहां पर दाया कहां होगा आर का, तो ये दाया ये होगा, तभी तो दाया ऐसे होगा, कोई किसी पर बनाना, आंसर आ जाएगा। आगे बोला है आप सभी को तथा एस के बाई ओर से दूसरा बैठा है। अच्छा, अब आर जो है, आरी को बोल रहा है, ये आरी को बोल रहा है, आर जो है वो पी का दाया बैठा है तथा एस का दूसरा बाया बैठा है, तो एस यहां पर बैठेगा, तभी तो बाया एस का दूसरा बाया, एक दो, अब यहां पर एस कैसे बैठेगा, यहां पर बैठेगा, तब यहां पर बाया ऐसे एक दो, ठीक। आगे पढ़ लेते हैं, आगे बोला है आप सभी को टी पी पी एंड एस के बीच में। अच्छा, टी जो है वो पी और एस के बीच में, यहां पर टी रख दीजिए, पी और एस के बीच में टी यहां पर रख दीजिए, तो बचा क्या आपका क्यू, बच गया, यही बचा ना, तो क्यू को यहां पर रख दो, क्यू को यहां पर रख दो। एंड क्वेश्चन देख लो आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है आर के बाएं से दूसरा कौन है, आर का बाया से, बाया मतलब इसमें तो बाया ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो दूसरा बाया कौन है, टी है, आंसर निकल गया। इसका बाया कैसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, तो एक दो यहां पर भी टी, कुछ भी पूछे आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल लो आप सभी, देखो करो एक बार, बहुत प्यार से करना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, कैसा भी सवाल हो आप सभी बहुत प्यार से करेंगे, मेहनत करने का बूता अंदर में है, जिगरा है, तब आपको सिखाना तो प्रॉब्लम नहीं है कि भैया कोई सिखा नहीं रहा है, हम सीखना नहीं चाहते हैं, अगर ये मनसा रहेगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है। देखो सवाल,
छह लड़की एक वृत्त के केंद्र की ओर है। अब बोल दिया केंद्र की ओर, छह लड़की अब बोल दिया गया है केंद्र की ओर। जब केंद्र की ओर बोल दे तो यह क्या होता है हमारा, यह होता है बाया और यह क्या होता है दाया। अब तो सवाल करने में मजा आएगा। अब सवाल क्या बोला है आगे आपको, सब्बू पप्पू की बाई ओर है। अच्छा सब्बू जो है, सब्बू कहीं पर भी पकड़ लो, सब्बू को यहां पकड़ लेते हैं। सब्बू जो है वो कहां पर है, पप्पू का बाया, पप्पू मतलब पप्पू यहां पर बैठेगा, पप्पू पप्पू वाह पप्पू का बाया। ठीक आगे पढ़ लेते हैं आप सभी का। और बोला है रेवती जो है वो सब्बू एवं निशा के बीच में बैठी है। अब रेवती जो है वो आपका सब्बू एवं निशा, सब्बू एंड निशा, निशा यहां पर बैठेगी तभी तो यहां पर रेवती बीच में बैठेगी, किसके बीच में, सब्बू और निशा के बीच में। आगे क्या बोला है आप सभी का, तथा अरुणा पप्पू और कीर्तन, पप्पू और कीर्तन, पप्पू और कीर्तन कौन, तो अरुणा। अच्छा पप्पू अरुणा कीर्तन के बीच में बैठी है। ठीक अब आपको सवाल में दिया किया गया है, अब तो आप सभी को माइंड में कुछ डाउट आया नहीं होगा। अब देख लो पजल तो सॉल्व हो गया, इतना आसान पजल था। अब आपसे कुछ भी पूछे पप्पू के बाई ओर से कौन है, पप्पू का बाया ओर से, तो पप्पू का बाया तो आपका सब्बू है। देख लो पप्पू के बाई ओर से कौन है, पप्पू का बाया तो ऐसे ही जाएगा ना, तो सब्बू होगा हमारा आंसर। किसी को सवाल में आपको डाउट, सब्बू पप्पू के बाई ओर है, सवाल वही पूछा है, किसी को डाउट। अगला सवाल लेते हैं, हमारा एक सवाल ये है, देखो प्यार से। अच्छा इसको आप लोग ट्राई करो एक बार, मैं आप सभी को टाइमर देता हूं, देखता हूं किसका आंसर निकल कर पहले आता है। चलो 30 सेकेंड का नहीं, एक मिनट का टाइमर दूंगा आप सभी को करने के लिए। करो एक बार आप सभी इसका आंसर, देखते क्या बोलते हैं आप सभी इसका आंसर। करिए तीन आठ लोग हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नौ लोग हैं ना, तीन तीन छह आठ लोग हैं, एक गोले मेज की ओर बैठे हैं जो केंद्र की ओर है। अच्छा अब बोल दिया केंद्र की ओर है, और कितने लोग हैं, आठ लोग हैं। ठीक है बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ट्राई करना। फिर बोला है पी डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है और क्यू के बाएं से तीसरा है। कौन किसको बोल रहा है, पी को ही बोल रहा है, पी डब्ल्यू के दाएं से तीसरा है। अब यहां पर बाया ऐसे ऐसे लेफ्ट और ऐसे दाया यानी कि राइट। अब टाइम अप करते हैं, दिखाते हैं कितना जल्दी पजल बनता है। बोला है पी डब्ल्यू के दाएं से तीसरा, अब पी को कहीं पर बैठा लो आंसर में, चलो पी को इस बार यहां बैठाते हैं। पी जो है वो डब्ल्यू का दाया से तीसरा, डब्ल्यू का दाया। अब दाया कहां पर होगा डब्ल्यू का, ऐसे तो बाया जा रहा है, ऐसे यहां पर डब्ल्यू तो ऐसे बाया। अब यहां से गिनेंगे, यहां से तभी तो एक दो तीन, यानी ऐसे दाया जाएगा, दाया तो ऐसे जाएगा ना क्योंकि दाया ऐसे जा रहा है। ठीक है अब आगे लाइन में ये बोला है पी जो है वो डब्ल्यू का तीसरा दाया, साथ में ये भी बोल दिया क्यू का बाय से तीसरा। अच्छा पी जो है वो डब्ल्यू का तीसरा दाया प्लस क्यू का अब बाया, अब बाया, पहले दाया अब बाया, पी को ही बोल रहा है। पी जो है वो डब्ल्यू का तीसरा दाया और क्यू का तीसरा बाया, तीन चीज बैठ गए हमारे सामने। आगे क्या क्या बैठाना है देखते हैं। एस टी के दाएं से दूसरा बैठा है, एस कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, टी कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है, क्या करना है छोड़ देना है। क्या कंडीशन क्या दिया गया, एस एस लिख लो, एस को क्या बोल रहा है ये, ऐसे कर लेना, एस जो है वो टी का दूसरा यानी सेकेंड क्या बोला है आप सभी का, दूसरा दूसरा दाया बोला है। ठीक है ऐसे लिखकर छोड़ दो, जब कुछ पता नहीं है तो, कुछ कंडीशन मिल नहीं रहा है तो। आगे पढ़ते हैं वी, अब एक कंडीशन और मिला है वी आर का, वी आर का दूसरा बाया। अच्छा अब ये आर दूसरा बाया, अब देखो हमारे पास एस भी नहीं है, टी भी नहीं है, वी भी नहीं है, आर भी नहीं है, तो इसको साइड में लिख लिए, जब मिलेगा तो मिला देंगे। एस जो है वो टी का दूसरा दाया है, वी जो है वो आर का दूसरा बाया है। आगे पढ़ते हैं, आगे बोला है हमारे सामने टी क्यू का पड़ोसी नहीं है। अच्छा टी जो है वो क्यू का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब क्यू के अगल बगल टी नहीं आना चाहिए, तो टी यहां पर नहीं आएगा और टी यहां पर नहीं आएगा, काट दीजिए, काट दीजिए। आगे
फिर बोला है जबकि यू ना तो टी का पड़ोसी है ना डब्ल्यू का पड़ोसी है। अब बोला है यू, यू जो है वो डब्ल्यू का पड़ोसी नहीं है, यू यू ना तो टी का, टी कहां पर बैठेगा पता नहीं है, लेकिन यू जो है वो डब्ल्यू का पड़ोसी भी नहीं है, तो यू यहां पर भी नहीं आएगा और यू डब्ल्यू के बीच यहां पर भी नहीं आएगा, यू है ये वाला, ठीक है। अब तो कुछ दिया नहीं गया है, अब ऊपर से उठाते हैं, देखो एक जगह बैठा है, दो जगह, तीन जगह, अब टी यहां पर नहीं आएगा, यहां पर नहीं आएगा, यानी आठ में से पांच जगह तो टी बैठ ही नहीं सकता भाई। अब तीन जगह बचा है टी के लिए, क्या क्या बचा है, एक तो यह बचा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर टी नहीं आएगा। अब टी को अगर यहां पर बैठा देते हैं तो टी का दूसरा दाया कौन है, एस है, तो दूसरा दाया कहां होगा, एक और दो, यानी यहां पर एस आना चाहिए, तो यहां पर तो क्यू बैठा है, तो टी तो हमारा यहां पर भी नहीं बैठेगा। अब आठ में से छह जगह पर टी नहीं बैठेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, अब टी को कहां बैठा सकते हैं, आप सोचो, सोचो, आप टी को मान लो यहां पर बैठा दिए, बैठा दिए, अब इसका दूसरा दाया, दाया मतलब आपका ऐसे एक और दो, यहां पर एस बैठ सकता है, यहां पर बैठ सकता है, अच्छा टी यहां पर भी तो बैठ सकता है ना भैया, टी को अगर हम यहां पर बैठा दिए और दूसरा दाया एक और दो, नहीं यहां पर पी बैठा है, यानी टी यहां पर भी नहीं बैठ सकता है, यानी टी के लिए बस एक जगह सुरक्षित है ये वाला, और दूसरा दाया एक और दो, यानी यहां पर हमारा एस बैठेगा। कितने जगह मिल गए हैं, तीन चार पांच, पांच मिल गया। अब यू, यू यहां पर नहीं बैठेगा और यू यहां पर भी नहीं बैठेगा, यू यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, तो यू के लिए तो एक ही जगह बचा है ये वाला, तो यू को यहां पर बैठा दीजिए आप सभी, यू यहां पर नहीं बैठ सकता डब्ल्यू के बगल में या टी के बगल में भी यू नहीं बैठ सकता है, तो यू के लिए एक ही जगह बचा है, तो एक दो तीन चार पांच छह हो गया। अब दो जगह बचा है, इन दोनों के लिए कंडीशन क्या दिया गया है कि V जो है वो R का दूसरा बाया है, बाया तो ऐसे जाता है, तो V यहां पर और R यहां पर, हो गया पजल सॉल्व, पजल हमारा सॉल्व हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ देना, आप आंसर निकालकर एग्जामिनर के दे देना, कुछ भी पूछ दे आप सभी से, सवाल तो दिया नहीं गया, कुछ भी पूछ देगा, V का तीसरा दाया कौन है, तो तीसरा दाया ऐसे एक दो तीन टी है, वी का विपरीत कौन है, क्यू है, अच्छा पी और आर के बीच में कौन बैठा है, टी बैठा है, कुछ भी पूछे निकाल कर मुंह के ऊपर मार देना एग्जामिनर का, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने यह है, देखो एक बार आप सभी, सॉल्व करना है आप ही सभी को, एक मिनट टाइमर आपको लगाते हैं एक मिनट का, और पूरा ट्राई आपको करना है, विश्वास मानो आप सभी एक मिनट के अंदर ये सारे पजल बनते हैं, अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो गया। अब स्टार्टिंग में क्या होगा ना, आपको दाया बाया पहचानने में टाइम लगेगा, जब जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ना आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। बोला है आठ लोग हैं, तीन तीन चार, एक दो तीन चार पांच छह सात लोग हैं, ठीक है, और केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के में बैठे हुए हैं, अच्छा उनका मुंह सी ए। अब आंसर बताओ क्या होगा आप सभी, लास्ट का, कुछ भी आंसर निकाल देना, पटाक कर आंसर निकल कर आएगा, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, तीन चार पांच, एक दो, अच्छा आई मिसिंग है क्या यहां पर, ए बी सी डी ई एफ जी, यहां पर ना एक आप चीज याद रखना, यहां पर आठ लोग हैं, यहां पर आई का डाटा मुझे दिख रहा है, डी आई डी आई, यहां पर आई मिसिंग है, तो स्टार्टिंग में आठ लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और आई भी है, ठीक है, आठ लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब मान लो ये आठ लोगों का मैंने जगह बना दिया, ठीक है, आई भी है याद रखिएगा, वहां पर सात लोग दिया गया है। अब आगे बोला है सी ए का बाय सी, सी को बोल रहे हैं, सी को कहीं पर बैठा दो, सी क्या बोला है, ए के बाय को तीसरा बाया बोला है ना, तो माइंड में याद रखो ये ए यहां पर आएगा, एक दो तीन, सी जो है वो ए का बाया, बाया तो ऐसे यहां पर। अब बोला है ई ए के दाय के चौथा, अच्छा अब क्या बोला, ई जो है ना वो दाया है ए का चौथा, दाया मतलब ऐसे एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, यानी ई हमारा यहां पर आएगा।
आराम से बैठ गया। आगे क्या बोला है हमारे सामने, डी आई के बाय को चौथा बैठा है। अच्छा, डी कहीं पर नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। आई का नहीं कहीं नजर नहीं नजर आ रहा है, इसको लिख दो। डी जो है वो आई का चौथा क्या दिया गया, बाया की दाया, बाया दिया गया, लेफ्ट, ठीक है, इसको लिख दो। दिख रहा है ना, थोड़ा सा पजल छोटा कर दे क्या। चलो, उसके बाद बोला है आप सभी को चौथा है जो। अब जो किसको बोल रहा है, एक बात मेरा याद रखिएगा, यह जो जो बोल रहा है ना, जो डी आई के बाय का चौथा है जो, या जो जब भी बोले ना, यहीं पर फंसते हैं बहुत जन, जब भी ऐसे लाइन में जो का इस्तेमाल करे ना, वो किसको बोल रहा है, वो आई को बोल रहा है। यह चीज याद रखिएगा मेरे भाई बहन, यहीं पर बहुत जन फंसते हैं, डी को पकड़ लेते हैं। सवाल की लाइन को पकड़ो, डी आई के बाय को चौथा बैठा है जो, यानी जो मतलब आई को बोल रहा है, जो ए के दाई को दूसरा बैठा है। अच्छा, अब ए तो हमारे पास है और ए का दूसरा दाया, यानी ऐसे एक दो, यानी यहां पर हमारा आई बैठेगा। क्लियर? अब आप कुछ कर दो, यह भी हमारा मिल गया, आई का चौथा बाया, एक दो तीन चार, यानी यहां पर हमारा डी बैठेगा, यह भी सॉल्व हो गया। आगे पढ़ लेते हैं हम सभी, और क्या दिया गया है, एफ बी के बाय के दूसरा है, जी ए का निकट पड़ोसी नहीं है। अच्छा, ए का पड़ोसी कौन नहीं आएगा भाई, जी नहीं आएगा, यानी जी यहां पर नहीं आएगा, जी यहां पर नहीं आएगा। और कितने लोग बैठ चुके हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, यानी जी का एक ही जगह बैठा है हमारा, जी के लिए जगह यह बैठा है। अब हमारे सामने और क्या बचा है, दो एक कंडीशन बचा है, एफ जो है वो बी का क्या है, बी का दूसरा बाया है। ठीक है भाई, अब तो दो ही लोग बचे ही हैं, एफ तो एफ यहां पर, बी यहां पर, तभी तो बी का दूसरा बाया एफ है। पजल हो गया हमारा सॉल्व। आई थिंक क्लास बहुत लंबा हो गया, उम्मीद नहीं की थी इतना लंबा क्लास जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको काफी रात में मिल रहा है, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, इसी तरह शेड्यूल जो है आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा आप सभी जितने भी मेरे भाई बहन हैं, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और शिकायत ना रहे कि भैया नोटिफिकेशन हम सभी को नहीं मिलता है वीडियो का, क्या करें। प्लीज़ सब्सक्राइब के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को जरूर दबाइएगा आप सभी। ठीक है,